अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अदनान, वेलकम करता हूं आपका हमारी चैनल टॉकिंग ऑफ इस्लाम में। नाज़रीन, आज एक और बच्चों का सिलसिला लेकर मैं हाजिर हो चुका हूं, जिसमें आज हमारे साथ है सफिया बानो, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे और कुछ वो जवाब देंगी हमारे नाज़रीन को। और चलिए हम इनसे बात कर लेते हैं आज हमें क्या ये सुनाने वाली है और क्या आपने हमारे नासरीन को आज ये क्या सुनाने वाली है, चलिए हम पूछ लेते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी सफिया बानो, आप हमारे नासरीन को क्या सुनाने वाली हैं? दुआ। अच्छा, दुआएं सुनाने वाली हैं। तो चलिए, आज आपने कौन कौन सी दुआएं तैयार की हैं? खाना खाने की, गंदिया जाएगी, खाना खाना बात की। अच्छा माशाल्लाह। नाज़रीन, जो हमारी ये सफिया बानो है, छोटी सी बच्ची, उसने तीन दुआएं आज याद की हैं। एक खाना खाने से पहले की दुआ, फिर खाने के दरमियान की दुआ, और खाना खाने के बाद की दुआ। तो चलिए हम सुन लेते हैं। तो जी सफिया बानो, आप बताएं कि खाना जब शुरू करेंगे तो कौन सी दुआ पढ़नी है हमें? खाना खाने की दुआ, बिस्मिल्लाह बरकतुल्लाह। जी नाज़रीन, जो बच्चे यहाँ ये वीडियो देख रहे हैं और उन बच्चों को खाना खाने के पहले की दुआ याद नहीं है, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप ये दुआ याद कर लीजिए। चलिए, अगर जिनको याद नहीं है वो मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्लाह। जी नाज़रीन, और चलिए अब बेटा बताए कि हम खाना खा रहे और खाने से पहले दुआ पढ़ना भूल गए, तो बीच में याद आ जाए तो कौन सी दुआ पढ़ेंगे? जी नाज़रीन, जब हम खाना खा रहे और खाने से पहले दुआ भूल गए हो, कभी कभार हो जाता है, दावत वगैरह में जाते तो अच्छा खासा खाना देखकर हम दुआएं भी भूल जाया करते, तो दरमियान में जब दुआ याद आ जाए तो हमें जो दुआ पढ़नी वो ये है, बिस्मिल्लाही अव्वलहु वआखिरहु। जी नाज़रीन, अब सफिया बानो आप ये बताएं कि खाना खाने के बाद की कौन सी दुआ है? जी नाज़रीन, जब खाना खा चुके तो उसके बाद की दुआ भी हमें सफिया बानो ने सुना दी है, तो जिन बच्चों को ये दुआ भी याद नहीं है तो वो दुआ याद कर लीजिए। चले मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना वसक़ाना वज़अलना मिनल मुस्लिमीन। जी नाज़रीन, ये दुआएं वगैरह तो हो गई, फिर इस बच्ची ने कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कुछ सवाल और जवाब भी तैयार किए, तो चलिए हम इनसे एक दो सवाल पूछ लेते हैं। जी सफिया बानो, आप ये बताएं कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए थे? जी नाज़रीन, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंडे यानी सोमवार के दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। तो सफिया बानो, आप ये बताएं कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वक्त पैदा हुए थे, सोमवार के वक्त? जी नाज़रीन, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन यानी मंडे के दिन सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए थे। सफिया बानो, आप ये बताएं कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी तारीख और कौन से दिन पैदा हुए थे? जी नाज़रीन, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं तारीख को पैदा हुई। इसी तरीके के अच्छे अच्छे सिलसिले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जो भी आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।